की प्रयास है किसी के घर में कोई दुख की घड़ी ना आए। और सबसे बड़ी बात है, पॉजिटिव आने के बाद भी, लोगों को बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद, यदि पढ़े लिखे आदमी भी मास्क नहीं लगाएंगे, दुख की बात। ताजा हालात इस समय सर क्या है? मैं समझता हूँ कि भाई आप सबके सहयोग से सब ठीक ठाक है, सब सिचुएशन ठीक है। हमने और भी लगभग 20 सैंपल और भेजे, हमने कैथल के, उनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। इवन जो पॉजिटिव आया उसका भी सैंपल दोबारा भेजा। सर, हरियाणा सरकार ने आज किसानों के लिए कुछ बात की है कि मंडियों में गेहूं वगैरह, हाँ, इसके क्या कंडीशन मिल सकता है? ऐसा है, आज सीएम साहब का पूरे हरियाणा के लिए, मंडियों के लिए संदेश था कि भाई हम कोई भी कमी नहीं आने देंगे। कहाँ कहाँ मंडियाँ होंगी, कहाँ कहाँ अलग अलग गेहूं की कितनी होगी, अलग कितनी होगी, जो भी चीजें हैं, तो उसमें डिटेल से। मेरा एक ही प्रयास है किसी के घर में कोई दुख की घड़ी ना आए। और सबसे बड़ी बात है, पॉजिटिव आने के बाद भी, लोगों को बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद, यदि पढ़े लिखे आदमी भी मास्क नहीं लगाएंगे, दुख की बात। ताजा हालात इस समय सर क्या है? मैं समझता हूँ कि भाई आप सबके सहयोग से सब ठीक ठाक है, सब सिचुएशन ठीक है। हमने और भी लगभग 20 सैंपल और भेजे, हमने कैथल से, उनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। इवन जो पॉजिटिव आया उसका भी सैंपल दोबारा भेजा। सर, हरियाणा सरकार ने आज किसानों के लिए कुछ बात की है कि मंडियों में गेहूं वगैरह, हाँ, इसके क्या कंडीशन मिल सकता है? ऐसा है, आज सीएम साहब का पूरे हरियाणा के लिए, मंडियों के लिए संदेश था कि भाई हम कोई भी कमी नहीं आने देंगे। कहाँ कहाँ मंडियाँ होंगी, कहाँ कहाँ अलग अलग गेहूँ की कितनी होगी, अलग कितनी होगी, जो भी चीज़ें हैं, तो उसमें डिटेल से। एक ही प्रयास है किसी के घर में कोई दुख की घड़ी ना आए। और सबसे बड़ी बात है, पॉजिटिव आने के बाद भी, लोगों को बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद, यदि पढ़े लिखे आदमी भी मास्क नहीं लगाएंगे, दुख की बात। ताजा हालात इस समय सर क्या है? मैं समझता हूँ कि भाई आप सबके सहयोग से सब ठीक ठाक है, सब सिचुएशन ठीक है। हमने और भी लगभग 20 सैंपल और भेजे, हमने कैथल से, उनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। इवन जो पॉजिटिव आया उसका भी सैंपल दोबारा भेजा। सर, हरियाणा सरकार ने आज किसानों के लिए कुछ बात की है कि मंडियों में गेहूं वगैरह, हाँ, इसके क्या कंडीशन मिल सकता है? ऐसा है, आज सीएम साहब का पूरे हरियाणा के लिए, मंडियों के लिए संदेश था कि भाई हम कोई भी कमी नहीं आने देंगे। कहाँ कहाँ मंडियाँ होंगी, कहाँ कहाँ अलग अलग गेहूं की कितनी होगी, अलग कितनी होगी, जो भी चीजें। मेरा एक ही प्रयास है डिटेल से, किसी के घर में कोई दुख की घड़ी ना आए। और सबसे बड़ी बात है, पॉजिटिव आने के बाद भी, लोगों को बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद, यदि पढ़े लिखे आदमी भी मास्क नहीं लगाएंगे, दुख की बात। ताजा